Thanks for coming to our channel to watch this video. If you like this video and want to purchase the entire course, you can click the link in the description. If you're watching this on mobile, you can click the downward arrow here and it is going to show you the link where you can purchase the entire course relating to international taxation. So when can an advance ruling not be sought? Matlab, idea ye hai ki advance ruling should be used as a tool which facilitates people, genuine people, for genuine transactions. In some cases, just to avoid unnecessary applications being filed, there are certain guidelines which says that you cannot obtain an advance ruling in a case where there is a question pending before authorities. मान लीजिए आपका एक कोई matter है, उसका case जो है already ITAT में चल रहा है, और आप इस केस के साथ साथ एप्लीकेशन फाइल करते हैं AAR पे. सच एन एप्लीकेशन कैन नॉट बी फाइल. क्वेश्चन इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी. आप क्वेश्चन ऑफ लॉ पे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे कर सकते हैं, बट AAR कोई वैल्यूअर नहीं है जो आपका बैठ के फेयर मार्केट वैल्यू निकाले किसी प्रॉपर्टी का, राइट. सो लेट्स से अगर इनकम टैक्स एक्ट में आपका सेक्शन 56(2)(7) या 7A लगता था पहले, वेर यू हैड टू एसरटेन व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स व्हिच यू हैव गिवन ओवर फ्री और सम अदर वे टू द पर्सन. यू कांट अप्रोच द AAR टू से कैन यू फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ दिस फॉर मी. ट्रांजैक्शन इज डिजाइंड प्राइमा फेसाय फॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स. एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन जो गार की कवरेज में आ सकता है, हु मे बी अ परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, फॉर दैट यू कैन गो. बट अगर साफ देखने में ही पता चलता है कि अगर मान लीजिए कोई US कंपनी है, राइट, वो जाके बोलती है कि क्या अगर मैं एक कंपनी किसी कंट्री में अपनी सब्सिडरी बना लूँ और उस सब्सिडरी के थ्रू इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर दूँ, क्यों? क्योंकि मेरे कैपिटल गेन नहीं लगे. Then obviously that is something which is a transaction which is designed prima facie for tax avoidance. I am not saying it, this name has just been taken for the ease of it. It doesn't means to offend anyone. This could be any country where a person might be a tax resident. Quantification of income. Tax computation ke liye AAR nahi hai. Tax hoga ya nahi hoga, उसके लिए AAR डिसीजन दे सकती है. डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस. अगर दो नॉन रेजिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन है या एक रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन है विच इज कवर्ड अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग, उसका फेयर प्राइस क्या होगा, आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होगा, इस चीज के ऊपर आप जाके रूलिंग फाइल नहीं कर सकते. इन केस द क्वेश्चन रेज्ड in the application is already pending before any income tax authority, tribunal or any court. आपका assessment हो चुका है, उसके ऊपर dispute है, वो किसी income tax authority के पास pending है point, किसी ITAT के पास है, किसी high court के पास है, उन matters पे आप AAR के पास जाके ruling नहीं ले सकते. The authority cannot allow application. For example, a notice for initiation of assessment proceeding may be regarded as pendency of proceeding and may create an application invalid before an AAR. आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, उसके लिए असेसमेंट का नोटिस आपको आ गया, अब आपको पता है कि इस पर डिस्प्यूट होके ही रहेगा, तो आपने कहा कि भाई बजाय इसके कि असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करे, चलो AAR के पास चलते हैं, नहीं, वो एक ग्राउंड हो सकता है रिजेक्ट करने का. क्वेश्चंस रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल. अगर किसी भी प्रोविजन में इनकम टैक्स एक्ट में आपका टैक्सेशन जो है वहाँ लिखा हुआ है कि आपकी फेयर वैल्यू के बेसिस पे टैक्स लगेगा, आप उस चीज़ की फेयर वैल्यू, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, शेयर्स हो, एसेट हो, प्रॉपर्टी हो, उसके क्वेश्चन के लिए आप AAR के पास नहीं जा सकते. ट्रांजैक्शन इज डिज़ाइन टू बी प्राइमा फेसाय फॉर टैक्स अवॉइडेंस. ये मैंने अभी वापस आपसे डिस्कस किया था. द एप्लीकेंट वुड नॉट सक्सीड इफ इट रिलेट्स टू अ ट्रांजैक्शन व्हिच इज डिजाइन प्राइमा फेसाय फॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स. प्राइमा फेसाय मतलब उसको देख के ही पता चल रहा है
कि भाई मैं एक कंट्री एक्स में रहने वाला हूँ, मेरा कंट्री वाई से दूर दूर का लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ एक ट्रांजैक्शन यहाँ से रूट करता हूँ, क्यों? ताकि मुझे इस यहाँ पर कुछ टैक्स बेनिफिट मिल जाए। वो प्राइमा फेसा टैक्स अवॉइडेंस का केस है, एंटरटेन नहीं होगा। अब इस प्राइमा फेसा में क्या फॉल करता है? व्हाट कैन बी सेड टू बी प्राइमा फेसा अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स? ओनली द प्राइमा फेसा इंप्रेशन क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द अथॉरिटी ऑन द फैक्ट स्टेटेड बिफोर इट दैट द ट्रांजैक्शन इज अंडरटेकन टू अवॉइड इनकम टैक्सेस सफिशिएंट कॉज फॉर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। मतलब आपने अपनी एप्लीकेशन फाइल करी, उन्होंने बेसिक फैक्ट्स देखे, उनका इतना एक्सपीरियंस है कि भाई उन्हें फैक्ट्स देख के ही पता चल गया कि ये आदमी जो है ये ट्रांजैक्शन सिर्फ टैक्स अवॉइडेंस के लिए कर रहा है। उन्होंने डिसाइड किया कि ये सफिशिएंट कॉज है, हम रिजेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन, ख़त्म मामला। ये नहीं है कि आप उन्हें बोलें कि भाई आप पूरे फैक्ट देखो, पूरे पेपर चेक करो, लीगल पोजिशन देखो, उसके बाद आप मुझे बताना कि ये अवॉइडेंस के लिए है या नहीं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रेफर टू द डिटेल्ड फैक्ट्स ऑफ द केस टू डिटर्मिन वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज डिजाइन टू अवॉइड इनकम टैक्स। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे फैक्ट्स एग्जामिन करने के बाद ही बोलें, बिकॉज द वर्ड यूज्ड आर प्राइमा फेसे। अदर केसेस, क्वेश्चन कैन नॉट बी रेज बिफोर द अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिफिकेशन ऑफ इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर। मेरी इनकम 100 होगी या 500 होगी, नहीं, उसके लिए आप AAR के पास नहीं जाते। एंड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस अंडर इंडियन ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस। नाउ ये अभी तक जो हमने डिस्कस किया है लीगल पर्सपेक्टिव से था, अब लेट अस लुक एट सम प्रोसीजरल पार्ट। द एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर स्टेटिंग द क्वेश्चन ऑन विच द एडवांस रूलिंग इज सॉट। इफ यू डू नॉट फाइल इट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, इट इज इनवैलिड। यू हैव टू स्टेट द क्वेश्चन जिसके लिए आपको आंसर चाहिए। द एप्लीकेंट विदड्रॉ हिज एप्लीकेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। 30 दिन के अंदर फाइल करने के आप उस एप्लीकेशन को विदड्रॉ कर सकते हैं। जहां तक बात फीस की है, द नॉन रेजिडेंट कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट कौन है? एक PSU और एक दूसरे। PSU के केस में हर एक केस में सिर्फ 10,000 रुपये आपको फीस देनी होती है। बट PSU के अलावा अगर कोई फाइल करता है, कौन कौन फाइल कर सकता है? नॉन रेजिडेंट अपनी टैक्स लायबिलिटी के लिए, कोई रेजिडेंट फाइल कर सकता है टैक्स लायबिलिटी किसकी? नॉन रेजिडेंट के लिए, या फिर रेजिडेंट फाइल कर सकता है अपनी खुद की टैक्स लायबिलिटी के लिए। इस केस में ये देखना पड़ेगा कि जो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है वो कितने का है। अमाउंट ऑफ वन और मोर ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू और प्रपोज टू बी एंटर्ड इनटू इन रिस्पेक्ट ऑफ द विच द रूलिंग इज सॉट। अगर इफ इट डज नॉट एक्सीड 100 crores, फीस 2 lakh। इफ इट एक्सीड 100 crore बट डज नॉट एक्सीड 300 crores, 5 lakh। If it exceeds 300 crore, 10 lakh. So depending on the value of the transaction, the fees is to be paid. The application has to be in quadruplicate, मतलब 4 copy होंगी, and it should be along with the following fees. So what is the procedure? आपने एक application file कर दी, अब क्या? AAR shall forward a copy of the application to the commissioner to ascertain whether the case is pending or not, and if necessary, कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स। पहली चीज़ AAR ये चेक करेगी कि कोई केस पेंडिंग तो नहीं है इस मामले से के रिलेशन में। उसके लिए एप्लीकेशन की कॉपी वो कमिश्नर को भेज देंगे, राइट? और अगर उनको उसके कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए वो मांग सकते हैं। स्टेप 2, AAR में अलाउ और रिजेक्ट दी एप्लीकेशन। मान लीजिए कमिश्नर ने कहा कि केस पेंडिंग है तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया मामला। अगर कमिश्नर ने कहा कि नहीं कोई केस पेंडिंग नहीं है, देन ऑल्सो the AAR can either allow or reject the application. अगर reject allow करती हैं तो obviously hearing वगैरह जो भी होगी वो शुरू हो जाएगी। अगर reject करते हैं then the following points are applicable. Before rejecting the application, an opportunity of being heard shall be given to the applicant. Applicant को एक opportunity दी जाएगी कि भाई हम आपकी application reject कर रहे हैं, आपको कुछ कहना है क्या इस मामले में? रीज़न फॉर रिजेक्शन विल बी गिवन इन द ऑर्डर। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं वो देनी पड़ेगी। ऑर्डर की जो कॉपी है, कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी सेंड टू द एप्लीकेंट एंड टू द CID। दोनों को एक एक कॉपी जाएगी। नो अपील इज पॉसिबल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन। दिस इज नॉट एन अपीलेबल ऑर्डर। एक बार ऑर्डर पास हो गया देन दैट इज द एंड ऑफ द मैटर।
After allowing the application and examining the information placed before it, AAR pronounces its advance ruling on the question specified in the application. Generally, अगर AAR को लगता है कि information जो है वो sufficient है, सारे facts हैं, वो उसके basis पर decide कर सकते हैं कि भाई इसका ruling क्या होनी चाहिए. हाँ, लेकिन step 4 तब कब applicable है कि अगर applicant request करता है, on request of the applicant, before pronouncing its advance ruling, AAR shall provide an opportunity of being heard either in person or through an authorized representative. अगर applicant request करता है, तो AAR एक अपॉर्चुनिटी देगी उसको कि वो आके अपने व्यूज प्रेजेंट कर सके, चाहे खुद इधर इन पर्सन या फिर एक किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू. AAR शैल प्रोनाउंस इट्स एडवांस रूलिंग इन राइटिंग विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन. ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी. अ कॉपी ऑफ द एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस बाय द AAR शैल बी सेंट टू द एप्लीकेंट एंड टू द कमिश्नर. वी डिस्कस दिस ऑल्सो. Other points. Now, these other points that we are discussing is कि मान लीजिए constitution of AAR में 4 लोग होते हैं. अब अगर इसमें जो chairman है उसका office vacant हो जाता है. On the occurrence of vacancy in the office of the chairman by the reason of his death, resignation or otherwise, the senior most vice chairman shall act as the chairman until the new chairman enters upon his office to fill such vacancy in accordance with the provision of the act. तो यहाँ पे कौन कौन था? चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन था, IRS था, इंडियन लीगल सर्विसेज का पर्सन था. अगर ये नहीं है तो जो वाइस चेयरमैन है, सीनियर मोस्ट वाइस चेयरमैन, क्योंकि काफ़ी सारी बेंच है, हो सकता है अलग अलग वाइस चेयरमैन हो, तो जो सीनियर मोस्ट वाइस चेयरमैन है वो चेयरमैन बन जाएगा जब तक कि नया चेयरमैन नहीं आता. इन केस द चेयरमैन इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ओइंग टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर रीजन, the senior most vice chairman shall discharge the function of the chairman until the chairman resumes his duty. वो बीमार हो गया, तबीयत खराब हो गई, या कोई भी और कारण है, because of some personal exigency, if they are unable to discharge their function, in that case again the vice chairman shall assume the office. On the account of vacancy or defect in the constitution of authority, no advance ruling or proceeding shall be questioned or treated as invalid. Just because the chairman wasn't able to come and vice chairman was discharging his function, the applicant cannot get up and say कि जो आपने ruling ये vice chairman ने in capacity of chairman दी है या substitution में दी है, we do not agree with it. No, you cannot question that. No income tax authority or ITAT shall proceed to decide any issue in respect of which an application has been made by the applicant. Clear? अगर AAR के पास एप्लीकेशन आ गई, उसके बाद अभी वो पेंडिंग है, किसी AO ने नोटिस इशू कर दिया, राइट, आफ्टर द एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड विद द AAR, देन दे कैन नॉट डिसाइड इन एन इशू विच इज पेंडिंग बिफोर AAR. द एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस बाय द अथॉरिटी इज बाइंडिंग ऑन द एप्लीकेंट हु सॉट इट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू विच द रूलिंग हैज बीन सॉट. अगर AAR में आपने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी, मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट था, इसके दो ट्रांजैक्शन थे, T1 T2. T1 के लिए इसने एक AAR में एप्लीकेशन फाइल करी, T2 के रिलेशन में उसने कुछ नहीं किया. अब जब ये AAR की रूलिंग आ गई, तो ये रूलिंग इस नॉन रेजिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है फॉर T1 ऑन द कमिश्नर एंड अथॉरिटीज सबॉर्डिनेट टू हिम. सेम वे ये रूलिंग जो होगी, ये कमिश्नर और उससे नीचे जो अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर भी बाइंडिंग रहेगी. वेयर द AAR फाइंड्स दैट द एडवांस रूलिंग हैज बीन सॉट बाय द एप्लीकेंट बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट. कभी कभी क्या होता है, लोग फालतू में, मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट था, उसने खुद तो एप्लीकेंट बना नहीं, उसने किसी और को अपॉइंट कर दिया, और इसने ये एप्लीकेंट ने फाइल कर दी रूलिंग कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, इसके ऊपर आप ट्रांजेक्शन के ऊपर मुझे बता दीजिए क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होगी. एक तरह से ये मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट हो गई और फ्रॉड हो गया. अगर AAR को पता चल जाता है कि ऐसा है, देन इट मे ऑर्डर और डिक्लेयर सच रूलिंग टू बी वॉइड एब इनिशियो. मतलब वो ये ऑर्डर कर सकते हैं कि जो रूलिंग हमने दी है ये वैलिड ही नहीं है, एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई एज इफ सच रूलिंग हैज नेवर बीन मेड. द ऑर्डर ऑफ AAR इज फाइनल ऑर्डर
no appeal is permissible against such